नमस्कार। जो किसान अन्न उपजाते हैं वही अन्न के अभाव में भूखे मर जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे समाज के लिए है, जिसका जवाब शायद हम में से हर कोई आज भी ढूंढ रहा है। और सरकारें और समाज के तौर पर हम कितने प्रयास कर चुके हैं, लेकिन आज तक इस समस्या से हम निजात नहीं पा सके हैं कि किसानों की आय दुगनी नहीं हो सकी। किसान आज भी सबसे वल्नरेबल स्थिति में इस देश में, इस राज्य में, इस समाज में है। हमारे साथ सोलर मैन ऑफ इंडिया दीपक गड़िया जी हैं, और आज हम नामकुम में JUT में बैठे हैं, जहां पर ट्राइबल डेवलपमेंट एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, और जिसमें दीपक जी बतौर वक्ता बोलने के लिए आए हैं। कुछ चूँकि इनका सोलर एनर्जी पे बहुत ज़्यादा काम रहा है और कई एस्पेक्ट्स पे जाकर उन्होंने काम किया है, हम उन पर भी और साथ ही झारखंड की वर्तमान स्थिति पर इनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। और आपका चूँकि कार्य पूरी तरह से सोलर पे रहा है, तो क्यों ना शुरुआत हम वहीं से करें। चूँकि जब हम जिस राज्य में हैं सर, झारखंड, ये कोयला का सबसे बड़ा हब दुनिया में माना जाता है। जितना कोयला, जितना मिनरल्स हमारे राज्य में है, उतना कहीं नहीं है। लेकिन ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसका आज ना कल उसका अंत हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ऐसे में पूरे समाज के साथ जो एक जो विकल्प है वो सोलर एनर्जी एक बड़ा विकल्प है। कैसे देखते हैं, क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है, कितने सालों में ये हो सकता है संभव, और अभी तक के ये सरकारों के प्रयास रहे हैं क्या लगता है कि सफिशियंट हैं, और या फिर इस ये उसको वाकई एक सब्स्टिट्यूट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा सोलर एनर्जी के थ्रू? थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ही पॉइंटेड सवाल है और काफ़ी पॉलिटिकल सवाल है, तो फिर भी मीन्स आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ टेलिंग द ट्रूथ, सत्यमेव जयते। तो सोलर एनर्जी, इंडियन गवर्नमेंट हैज पुट लॉट ऑफ फोकस ऑन सोलर एंड इंडिया हैज़ ए वेरी एम्बिशियस प्लान, जिसको हम उसको कहते हैं 100 GW, माने 100,000 MW पावर प्लांट सोलर में इंडिया को लगाना है बाई 2024-25, और करीब 36,000 MW प्लांट लगे भी हुए हैं, एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि इंडिया को जरूरत थी कि हम क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करें, ताकि हम जब भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो आपने जैसे कहा कोयला जलाते हैं तो CO2 निकलती है, CO2 से ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो लोग ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं, तो इस इज़ ए गुड वे। बट प्रॉब्लम यह है कि सोलर PV जो प्लांट लग रहे हैं उनसे हमें क्लीन पावर मिलता है, बट कुछ वैल्यूडेशन नहीं होती, बिकॉज उसकी जो पैनल है वो चाइना से आ रही हैं, उनका जो इन्वर्टर है वो जर्मनी से आ रहे हैं, केबल है कोरिया से आ रही हैं, तो फ़ायदा देश को हुआ एज अ क्लीन एनर्जी, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जिन्होंने पैसे लगाए वो उन्होंने PV प्लांट लगा के पैसे कमा रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट उसे एश्योर्ड पावर ले रही है, गवर्नमेंट उनको कि फिक्स रेट पर ले रही है, तो उनका एक पता है कि अभी धूप आए तो मेरे पैसे बन रहे हैं। बट जब हम ऐसे कंट्री देखें तो देश को नहीं फ़ायदा हो रहा है, बिकॉज ऐसे देश माने सिर्फ इकोनॉमी नहीं होती है, ये देश लोगों से बनती है, लोग एनवायरनमेंट से होती है, लोगों के पीपल्स पार्टिसिपेशन से होती है। तो मेरी जो टेक्नोलॉजी है, हम लोग जो सोलर टेक्नोलॉजी प्रमोट करें उसको हम कहते हैं सोलर थर्मल, और सोलर थर्मल से हम डायरेक्टली हीट को प्रोड्यूस करके उसको क्यों नो यूज़ कर सके, क्योंकि अगर आप सोलर PV से पावर प्रोड्यूस करते हैं उसकी एफिशिएंसी सिर्फ 20% होती है, मानी सिर्फ 20% एनर्जी आप लेते हैं, 80% वेस्ट होती है। अगर आप सोलर थर्मल करते हैं तो उसमें से 50 से ज़्यादा होती है, और अगर आप को जनरेशन करें तो 94% हो सकती है। तो लकीली आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू ब्रिंग दिस टेक्नोलॉजी टू इंडिया फ्रॉम जर्मनी। वी स्टार्टेड विथ सोलर कुकिंग, क्योंकि इंडिया की 50% पॉपुलेशन में भी लकड़ा से खाना पका रही है, तो हमने उनको ऑल्टरनेट देना शुरू किया जहाँ पे आप सोलर से खाना पका सके। पहले इंडिया में सूर्य पेटी तो आती थी, मगर उसमें सिर्फ आप बॉयल कर सकते थे, बेक कर सकते थे, बट फ्राई नहीं कर सकते थे, चपाती नहीं बना सकते थे और स्लो थी। तो हम टेक्नोलॉजी लेकर जहाँ पे एक पैराबोलिक डिश लेकर आए जहाँ पे आप लाइट को कॉन्सेंट्रेट करें और हाई टेम्परेचर में, तो यू कैन कुक फास्ट, यू कैन कुक ऑल आइटम्स। ये क्या डायरेक्टली सनलाइट से हो सकता है? हाँ, डायरेक्टली जो डिश है, जैसे डिश होती है और उसको रिफ्लेक्टिव एरिया होता है, तो क्या होता है, जैसे हम पहले मैग्नीफाइंग ग्लास से, माने गिलोरी कांच से कागज जलाते थे, वही प्रिंसिपल से सब सूर्य की किरणों एक जगह पर एकत्रित करो तो करीब टेम्परेचर 500 डिग्री हो जाता है, और वहाँ पर बर्तन रख लो तो आप खाना पका सकते हो। तो वो टेक्नोलॉजी लेकर आए और बड़े खुश हुए हैं कि लोगों। टेक्नोलॉजी कब आई आप लेकर आए? जी, मैं जर्मनी में 1985 से वापस लौट रहा इंडिया, राजीव गांधी हमें वापस लेकर आए थे, और फिर पहले ऐसे NGO शुरू किया, और फिर NGO में से हमने कंपनी बनाई गड़िया सोलर, और ये टेक्नोलॉजी लेकर आए, और ये टेक्नोलॉजी काफ़ी इनिशियली सक्सेसफुल हुई, पर हमने देखा कि अगेन वी आर ओनली हेल्पिंग दोज पीपल हु हैव ऑल्टरनेटिव, क्योंकि लेने वाले हमारे जो थे वो मिडिल क्लास एंड रिच थे, जिनके पास में पैसे थे, क्योंकि ऐसे उस टाइम में सोलर कुकर की कॉस्ट 7,000 रुपीज़ थी, तो जिनके लिए हम टेक्नोलॉजी लाए थे गांव वालों के लिए, उनको ये परवर्ती नहीं थी, तो वी रियलाइज़ कि ये टेक्नोलॉजी है, इट इज़ ओनली गोइंग टू द रिच, नॉट टू द पुअर, नॉट सर्विंग द पर्पज़।
तो फिर हमने सोचा क्या कर सकते हैं, तो फिर उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम ये है कि हमें परवड़ता नहीं है। सो वी रियलाइज के वी हैव टू नाउ क्रिएट अ मॉडल, क्योंकि इससे टेक्नोलॉजी सोल्यूशन देने से काम नहीं होगा। इन द एंड इट इज़ ऑल अबाउट एफोर्डेबिलिटी, लोगों को परवड़ना चाहिए। तो फिर हमने देखा कि सिर्फ टेक्नोलॉजी से काम नहीं होगा, तो हमने कहा कि कैन वी नाउ मेक इट अ बिजनेस मॉडल। तो पहले हमने माइक्रो फाइनेंस ट्राई किया कि लोगों को कहा कि भाई आप सोलर कुकर खरीदो मत, आपको हम देते हैं इंस्टॉलमेंट में, जैसे लोग कार और टीवी या इंस्टॉलमेंट लेते हैं, आप गरीब हैं तो आप कुकर लीजिए। तो लोगों ने कहा सर हमारे पास में पैसे इतने कम है कि अगर हमारे पैसे होंगे तो हम टीवी लेंगे, साइकिल लेंगे, मोबाइल लेंगे, जो हमें ज़रूरत है। सोलर कुकिंग के लिए हमें इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम तो लकड़ा से खाना पका लेते हैं। और जब उन्होंने कहा कि भाई लकड़ा आपका एक फ्यूचर है, तो उसने कहा हमारा प्रेजेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन फ्यूचर। हमने कहा कि आपकी बीवी को धूप में लकड़ा लेने जाना पड़ता है, बोझ उठाना पड़ता है, बोलते हमारी बीवी आपको क्यों फिक्र है, हमें तो आदत है बोझ उठाने की, वो आपका प्रॉब्लम, आपके लिए प्रॉब्लम, हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। सो वी रियलाइज के फॉर देम इम्पॉर्टेंट वॉज के दे हैव टू सेव मनी एंड दे हैव टू मेक लिविंग इन अ वेरी लिमिटेड अमाउंट दे हैव। तो फिर हमने पहले माइक्रो फाइनेंस फेल हो गया, तो फिर हमने उसमें एक नया एलिमेंट जोड़ा, उसको कहते हैं लाइवलीहुड। और फिर हमने कहा ये सोलर कुकर नहीं है, ये इनकम जनरेशन टूल है। और उनको हमने सिखाया ये सोलर कुकर देके कि उसमें आप ब्रेड, बिस्किट, जलेबी, गाठिया बनाओ एंड यू कैन सेल इट। एंड अवर स्लोगन वाज यू पे फ्रॉम योर प्रॉफिट नॉट फ्रॉम योर पॉकेट। पॉकेट में तो आपके पैसे है ही नहीं, मगर प्रॉफिट में से देंगे तो लोग गरीब लोग तुरंत रेडी हो गए, सर पैसे होगा तो मैं दो क्यों नहीं दूंगा, मुझे तो पहले पैसे मिलने तो दो। तो उसने पैसे से लेना कुकर लेना शुरू किए, और जब उसने सोलर कुकर पर खाना बनाना शुरू किया, ब्रेड, बिस्किट, जलेबी, जब तब उसको पता चला कि मेरी बीवी को दो तीन घंटे धूप में क्यों जाने की ज़रूरत है, उतने टाइम में वो खाना भी पका सकती हैं, तो पैसे भी बचेंगे, उसका काम भी बचेगा। तो इस तरह से गांव में हम टेक्नोलॉजी ले पाए, तो वी कुड सर्व द पर्पज ऑफ सोलर कुकिंग। अनफॉर्चुनेटली ये प्रोजेक्ट अभी बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ है, बिकॉज हमें लोगों की ज़रूरत है जो गांव में जुड़े हों। और आजकल गांव के हर बौद्धिक लोग हैं वो शहर चले गए, किसी को गाँव में रहना नहीं है। तो हमारे जो गॉडफादर थे डॉक्टर अमूल देसाई, जो गुजरात के फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो वो जब गाँव में गए थे और गाँव वाले को पूछा कि भैया आपको क्या चाहिए, तो गांव के जो थोड़े बुजुर्गों ने कहा था सर एक काम करना, आप जब जाओ तो थोड़े यंग लोगों को भेज देना, क्योंकि हम मरेंगे तो हमको उठाने के लिए बच्चे नहीं हमारे पास में। तो ये हमारी देश की हालत है कि हर गांव में लोग पढ़ते हैं या तो पढ़ाए जाते हैं ताकि वो बड़े होकर शहर जहाँ के नौकरी करें और पैसे भेजें। तो पैसे तो आ जाते, बच्चे वापस नहीं आते। सो एक रिवर्स, आप जैसे आपने कहा तो इट्स अ रिवर्स ऑफ माइग्रेशन, और तो स्टॉपिंग माइग्रेशन इज अ बिगेस्ट चैलेंज, और तो लोग वापस क्यों रहेंगे। तो उसका जवाब हमने डॉक्टर अब्दुल कलाम से पाया। डॉक्टर अब्दुल कलाम भी जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने जो मैन ऑफ टेक्नोलॉजी थे, एज आफ्टर बिकमिंग प्रेसिडेंट ही रियलाइज के टेक्नोलॉजी इज़ जस्ट अ टूल। ज़रूरत है हमें ऐसी टेक्नोलॉजी के जो गाँव को सद्धर बनाए, समृद्ध बनाए। टेक्नोलॉजी जो आप लेकर जर्मनी से भारत आए, मुझे लगता है उसमें कारगर भूमिका अदा कर सके। बट इट्स ए इंटीग्रेटेड अप्रोच है। मैंने तो सिर्फ आपको बताया एक सोलर कुकिंग की, फिर मैंने कहा एक बिजनेस मॉडल के पे आप उसमें से इनकम जनरेट कर सकते हैं। बट इसी तरह देर आर सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये गाँव का सॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए हमें गाँव वालों से जुड़ना होगा। शहर में या तो यूनिवर्सिटी में या तो लेबोरेटरी में या तो पॉलिटिशियन बन के आप ये क्यों प्रॉब्लम समझ ही नहीं सकते। जैसे मैंने कहा मैं आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे, तो मुझे तो इंडिया पता ही नहीं था, मेरे लिए बॉम्बे इंडिया था, सब गुड रोड, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड स्कूल, गुड एजुकेशन। बट जहाँ गाँव में गया तो देखा कि वहाँ पर तो बेसिक नहीं है, और सिर्फ बॉम्बे से 100 किलोमीटर दूर जाओ तो वहाँ पे रास्ते नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, बिजली नहीं है, पोस्ट ऑफिस नहीं है, कॉलेज नहीं है, स्कूल है तो उसमें टीचर नहीं है। तो वी हैव टू चेंज द बेसिक प्रॉब्लम जो है गांव में, जो आपने सवाल पूछा था स्वामी जी को कि हम गांवों को कैसे सतर्क बनाएं। तो अब्दुल कलाम ने कहा कि पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज टू रूरल एरिया, और वॉट आर द बेसिक एम्यूनिटीज, गुड पावर, क्वालिटी पावर, गुड वाटर, गुड ड्रेनेज, गुड एजुकेशन, गुड एंटरटेनमेंट एंड गुड एजुकेशन एंड गुड एम्प्लॉयमेंट। ये अगर हम उनको बेसिक दे दें तो कोई नहीं जाएगा सिटी में। तो अब नाउ आई हैव बिकम अ सोशल एंटरप्रेन्योर, तो मेरे पास में सोलर की कंपनी है, बायोगैस की कंपनी है, और ये जो भी कंपनी में मैं कमाता हूँ वो एक्चुअली एनजीओ है, मुनि सेवा आश्रम, उनको जाता है, और उनके थ्रू हम गाँव में एक मॉडल्स क्रिएट करते हैं सो दैट विलेजेस कैन बी ब्रॉट अप। झारखंड में हम लोग बैठे हैं, थोड़ा बायस सवाल है, झारखंड में ये आप कब लेकर आ रहे हैं? झारखंड मेरे लिए एकदम नई चीज़ है। मैं दो तीन घंटे पहले आया हूँ बिज़नेस के लिए, तो मैं तो अपना बिज़नेस लेकर चले गया था। बट जब प्रोफेसर पी के मिश्रा, जो अभी यहाँ के वाइस चांसलर, उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं थोड़ा स्टडी किया, एंड आई वाज सरप्राइज। वही जैसे कि मुझे अपने देश, मुझे पता ही नहीं था कि झारखंड इज़ अ रिच स्टेट।
हम लोग सोचते हैं ट्राइबल है माने गरीबी होगी, एजुकेशन कम होगा, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बट आई वॉज टोल्ड दैट रांची इज़ वन ऑफ़ द एजुकेशन तो कम है और गरीबी भी है, कम भी है और क्वालिटी भी नहीं है जो जो एक्चुअली विच इज़ एक तरह से अच्छी भी चीज़ है क्योंकि अच्छा नहीं है तो लोग यहाँ पर रहे वरना वो भी माइग्रेट हो गए होते और हमारे गुजरात में हर गांव से लोग अमेरिका में हैं, गुजरात में कम है, इस तरह यहाँ हो जाता, बट हाँ अभी उसको लोग गुजरात जाते हैं फिर गुजरात से वाले अमेरिका चले जाते हैं। सही बात, आप हमारे गुजरात है तो गुजरात वाले जा सकते हैं, वो वैल्यू एडिशन होती है, आप हमारे यहाँ पे वैल्यू एडिशन करो, हमारे गुजराती वहाँ पे आईटी में जाके वहाँ पे करते हैं। तो झारखंड में मैं जो हमारा जो अब्दुल कलाम का और हमारा भी जो एक सपना है, जो विजन था कि अगर हमें कोई एक ऐसे स्टेट बनाना है जहाँ पे वी कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, जहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहाँ पे अभी इतनी बुराइयाँ नहीं आई हुई हैं इन द नेम ऑफ प्रोग्रेस, जिससे स्वामी जी ने अपने लेक्चर में कहा था कि एक्चुअली हम जिसको प्रोग्रेस कहते हैं वो प्रोग्रेस है ही नहीं, तो कैन हाउ कैन वी स्टॉप इट और रिवर्स इट, अगर जो भी हुआ है तो उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, इट्स टू अर्ली। तो उसके रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे, यहाँ पे रेडिएशन बहुत अच्छे हैं, मीन्स सोलर रेडिएशन, बायोगैस अवेलेबिलिटी एंड ऑल, मिनरल्स अच्छे हैं। तो इम्पॉर्टेंट इज कि उसमें आप वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे गाँव में। तो जैसे आपने कहा पूछा था मुझे कि भाई किसान क्यों मर रहे हैं, मीन्स जो जो आदमी खाना पका रहा है वो क्यों भूखा रहता है, तो उसका हमने एनालिसिस किया था। तो हमने रियलाइज़ किया कि किसान इसलिए गरीब है क्योंकि वो जो प्रोड्यूस करता है वो ज़्यादातर पेरिशेबल होता है, और अगर उसने एक दो दिन में उसको बेच नहीं दिया तो उसको फेंक देना पड़ता है। सो दैट्स वाई द मिडल मैन मेक्स द मनी, और मिडल मैन ले लेता है उसके पास से सस्ते में, फिर उसको वो स्टोर करता है, फिर वो कोल्ड स्टोरेज में रखता है, फिर वो ट्रांसपोर्ट करता है, फिर उसको होलसेलर रिटेल चेन में जाता है, तो ही नोज द आउट, ही इज़ कंट्रोलिंग द आउटलेट मार्केट, दैट्स व्हाई ही मेक्स द मनी। जो रिस्क है जो भी फार्मर ले रहा है और पैसे वो है जो जो पैसे वाला कमा रहा है। सो हमने सोचा हाउ कैन वी रिवर्स इट, तो पहले हमने एग्जाम्पल लिया कि भाई हाउ कैन वी कन्वर्ट पेरिशेबल टू नॉन पेरिशेबल। तो देखा कि हमारे पुरानी संस्कृति में ये सब टेक्नोलॉजी थी, जैसे हम लोग पापड़ बनाते हैं, या तो आप गुजरात में घर पर जाएंगे तो सुबह नाश्ते में खाखरा मिलेगा, तो व्हाट इज़ खाखरा, के रात की बची हुई चपाती को आप दबा के उसमें से पानी निकाल दो तो वो चपाती है वो खाखरा हो जाएगी, एंड यू कैन ईट एनी टाइम। सो डिहाइड्रेशन, इसी तरह पिकल्स जो है उसमें भी डिहाइड्रेशन करते हैं, अचार है, पापड़ है, तो व्हाई डज इट लास्ट फॉर द होल ईयर, बिकॉज इट इज़ पुट इनटू द सन एंड डिहाइड्रेटेड। तो डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी विच ऑफर्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर कन्वर्टिंग पेरिशेबल टू नॉन पेरिशेबल। दूसरा रूट है फूड प्रोसेसिंग, जैसे स्वामी जी ने काफ़ी एग्जाम्पल दिए हैं। तो फूड प्रोसेसिंग जैसे एक एग्जाम्पल दो, अगर एक फार्मर पोटेटोस बेचता है तो उसको 20 रुपये किलो मिलता है, वो बेच सकता है मार्केट में, आप 20 में लेते हैं, मगर फार्मर को तो सिर्फ 8 रुपये मिलते हैं, बाकी तो वह जो 15 वो मिडिल में ले गया। मगर अगर वही फार्मर उसको फूड प्रोसेसिंग करके पोटेटो चिप्स में कन्वर्ट करता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 200 रुपया, और ये करने के लिए उसको शहर नहीं जाना पड़ता, बिकॉज वो गाँव में रह के सोलर एनर्जी यूज़ करके पोटेटो को पोटेटो चिप्स में कन्वर्ट करता है, तो इट इज़ नॉट नॉन पेरिशेबल। एम्प्लॉयमेंट गाँव में क्रिएट हुई, उसकी स्टोरेज गांव में हुई, एंड ओनली द एंड प्रोडक्ट गोज टू द सिटी। तो वैल्यू एडिशन जो हम लोग क्या कहते हैं, समृद्धि वापस गांव में लानी है, इसी तरह ब्रेड गांव में बन सकते हैं। व्हाई शुड अ वीट बी सोल्ड टू ब्रिटानिया, अगर मैं सीधी बात समय कहूँ तो किसान अपना जो अन्न उपजा रहा है वो ना बेचे, बल्कि जो प्रोसेसिंग का पार्ट वो खुद किसान कर ले, या तो वो ना बेचे, या तो वो बेचे तो अपने गाँव वाले को भी बेचे, ताकि गाँव में ही एम्प्लॉयमेंट प्रोसेसिंग वही आइडिया इज की प्रॉस्पेरिटी शुड परकुलेट एट अ विलेज लेवल, नॉट एट अ सिटी लेवल। यहाँ तो जो आदमी रिस्क ले रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको तो कुछ मिलता ही नहीं है, फल सिटी वाले ले रहे हैं, बिकॉज दे आर सिटिंग ऑन मनी टेक्नोलॉजी। हम लोग कहते हैं कि सिटी वाले के पास में मनी है, मैन पावर है, माफिया है, मशीन्स है, और गांव वाले के पास में कुछ नहीं है, तो उनको ये सब हमें देना है। जैसे वो आप जो माइग्रेशन की बात कर रहे थे कि गाँव से लोग शहर आ जाते हैं, और फिर ये हमको चाहिए कि हम इसी चीज़ को जो शहर में जो हो रहा है वो हम गाँव तक पहुँचा सकें। मैं वही आपसे ज़रा सा पूछ रहा था कि झारखंड चूँकि आप आए हैं, तो आप जिस एनजीओ, जो आपका एनजीओ है, जो जिस दिशा में आप काम कर रहे हैं, क्या कोई योजना है, कोई प्लानिंग है कि क्या सोच रहे हैं कि झारखंड में कैसे आप इसी को ला सकते हैं या करना चाहते हैं? तो पहले तो कोई भी चीज़ प्रमोट करने के लिए यू हैव टू क्रिएट सम मॉडल्स टू शो के ये हो सकता है, बिकॉज ज़्यादातर हम लोग इंडिया में वी आर बिकम, हम लोग कहते हैं एक्सपर्ट ऑन पावर पॉइंट। किस किस राज्य में आप ये? नहीं, अभी हम सिर्फ गुजरात में हैं और एक गांव में है जहाँ पे जो हमारी फाउंडर थी वो 50 रुपये लेकर गई थी, और उसने करीब 40 साल में 1000 एकड़ का कैंपस बनाया हुआ है। वहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास कैंसर हॉस्पिटल है जहाँ पे पूरी दुनिया में उसकी रैंकिंग 5th होती है। तो गाँव में बेस्ट हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड आ गई, हमारी स्कूल्स हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है,
ओल्ड एज होम है, ऑर्फनेज है, होम फॉर मेंटली चैलेंज गर्ल्स है, 7.5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और वी आर क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर्स। हमारी खुद की गायें हैं वहाँ पे, वो देसी गाय, उसमें हम दूध बनाते हैं, उसमें उसमें बायोगैस बनाते हैं, बायोगैस से हम खाना पकाते हैं, बायोगैस से हम बायो CNG कन्वर्ट करते हैं, उससे हम अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं, उससे हम एयर कंडीशन चलाते हैं। तो झारखंड में मेरा मॉडल है कि हम लोग यहाँ पे 2-3 जगह पे ये मॉडल बना के दिखाएं कि ये सब पॉसिबल है, ये सिर्फ बातें नहीं है, ये पावर पॉइंट नहीं है, ये दिस आर रियलिटी। और गुजरात में हुआ है, पर गुजरात में कहेंगे नहीं, गुजरात के लोग तो एंटरप्रेन्योर हैं, हमारे यहाँ पे नहीं होगा। तो पहले हमें यहाँ पे वो क्रिएट करना है, तो फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट मॉडल्स। उसके लिए हमें यंगस्टर्स चाहिए, तो ये जो कैंपस है उनके पास में यंगस्टर्स की कमी नहीं है, 70,000 स्टूडेंट्स JUT के नीचे है। तो उनको पहले ग्रीन इकोनॉमी लाना है, ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप में लाना है, इनोवेशन में लाना है, उनको उस टाइप की नॉलेज देनी है ताकि ही डजंट टू गो एंड सर्च एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए तो अगर यहाँ पे उस टाइप की इंडस्ट्री की, तो उनको सर्विस के लिए, ऑपरेशन के लिए आदमी चाहिए। तो सबको, सब एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हैं, बट अगर एंटरप्रेन्योर होंगे तो सब में एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिक जनरेट होगी, ग्रीन इकोनॉमी हो जो हम कहते हैं। सो वी आर वेरी एक्साइटेड। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था कि पूरे इंडिया से जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जिन्होंने गाँव में काम किया है, गाँव से जुड़े हैं, वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक दूसरे से काम कर रहे हैं, एंड सडनली वी रियलाइज कि वी आर नॉट अलोन। ज़्यादातर हम जब NGOs होते हैं, या तो हम लोग गुजरात में ज़्यादातर NGO गांधीयन होती है, तो दे वर्क इन आइसोलेशन, वो एक दूसरे से काम नहीं करते। सब NGO समझते हैं कि हम बस हम ही काम कर रहे हैं, बाकी सब बेकार है। तो ये एक लव, रिस्पेक्ट, वर्किंग टुगेदर होना चाहिए, जिसको हम नेटवर्किंग कहते हैं, सोशल नेटवर्किंग, नॉट फेसबुक बट लर्निंग, वर्किंग विथ ईच अदर। तो ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म हमने को झारखंड यूनिवर्सिटी दे रही है। प्रोफेसर मिश्रा हैं जो खुद ही साइंटिस्ट है, बट इज़ अ सोशल एंटरप्रेन्योर, सोशल साइंटिस्ट, और इनोवेशन में उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज़ को इनोवेशन के लिए ला रहे हैं, तो वी विल बी ग्लैड टू इंक्यूबेट आइडियाज़, गिव देम सम आइडियाज़, सो दैट यंगस्टर्स कैन गो टू विलेजेस एंड ट्राई देम आउट, बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एंड एज अ सोशल साइंटिस्ट वी विल हेल्प देम, एम्पावर देम, वी डोंट वॉन्ट टू मेक देम बास्केट केस, उनको पैसे देकर भूल नहीं जाना है। सी, वो जो इंग्लिश में कहावत है कि इफ़ यू गिव समवन अ फिश यू हैव हेल्प्ड हिम फॉर अ डे, बट इफ़ यू टीच हिम हाउ टू फिश यू हेल्प हिम फॉर द लाइफ। तो हम लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं, एम्पावरमेंट इज़ द की, एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मेजर एलिमेंट, एंड अवेयरनेस, एंड मेकिंग दैम कॉन्फिडेंट कि हमारे पास में डिग्री नहीं है बट हमारे पास में जमीन है, जायदाद है, बच्चे हैं, नेचर है, एनवायरमेंट है, लेट अस बिल्ड अपॉन वॉट वी हैव एंड नॉट एनवी। हर बोल कहते हैं एवरी पेस्चर लुक ग्रीन फ्रॉम द फार, हर तरफ नदी सामने की तरफ, हर तरफ अच्छा लगता है, बट हमारे पास में बहुत अच्छा ही है, तो उसको वाई नॉट वी बिल्ड अपॉन देम। तो झारखंड में एक नई शुरुआत शायद हमें देखने को मिले कुछ दिनों में, क्योंकि जैसा कि दीपक जी कह भी रहे थे कि जो गुजरात में जो चीज़ें हो रही हैं यहाँ के प्रयास से, फिर यहाँ के लोगों के प्रयास से, फिर शायद झारखंड में संभव हो सके, और जिन समस्याओं के बारे में हमने बातचीत की थी वो शायद पूरा हो सके। गुजरात की धरती, गांधी की धरती से बिरसा की धरती तक शायद वो टेक्नोलॉजी और उस तरह की चीज़ें पहुँच सके और उसका एक प्रभाव यहाँ के समाज को देखने को मिले। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, अपने सहयोगी स्रोत के हाथ में विवेक, नमस्कार। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.